हेलो एंड वेलकम टू कोरल एडिटोरियल फॉर बिगिनर्स। दोस्तों, सीडी डीएफबी की नई क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज फिर एक नई इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आया हूं, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर्च करेंगे गूगल या यूट्यूब पर, तो सीडी डीएफबी सर्च करेंगे तो आप आसानी से सर्च कर पाएंगे। और सर्च करने के बाद इस रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, और साथ ही यहाँ एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरह के कॉर्नर राउंड के और बॉर्डर बनाने के नए नए तरीकों के बहुत वीडियो अवेलेबल हैं। आज मैं दोस्तों आर्च बनाने का एक नया वीडियो दिखाऊंगा आपको, आसानी से बहुत अच्छी आर्च बनाने के लिए सिंपल, जो कि हमारे डिजाइन में काफी काम आती है अक्सर जरूरत पर। देखिए, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ आर्च के ऊपर। देखिए, एक ये अवेलेबल है, ये एक वीडियो आर्च पर आपको मिल जाएगा मेरे पेज पर, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी अवेलेबल है मेरे पेज पर। और भी है एक डिजाइन, ये देखिए एक और है आर्च का डिजाइन, ये वाला, ये भी पहले अपलोड कर चुका हूं मैं इस तरह का, ये भी आपको मिल जाएगा। आज मैं इन दोनों से डिफरेंट बनाकर दिखाऊंगा। तो डिफरेंट के लिए मैंने नेट से एक ये इमेज सर्च की, देखिए आप कोई भी जो आपको पसंद है सर्च करके निकाल लें। मैंने एक ये निकाला है, हम इसको देखकर हमें गाइडेंस मिल जाती है इस तरह की आर्ट से, आसानी हो जाती है, जो हमें टाइम सोचने में बनाने में अपने आइडिया से बहुत टाइम लगेगा, ऐसे हम जल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कॉपी कर लिया है, अब हम इसको देखकर आसानी से बनाएंगे, लेकिन हम इससे थोड़ा डिफरेंट कर लेंगे जो भी हमसे आसानी से हो सकेगा। तो हम सबसे पहले ऐसे पैटर्न में हमें क्या होता है, देखिए हम जब सिमेट्रिकल कोई डिजाइन होता है, जैसे फ्लिप ओवर लेफ्ट और राइट से देख सकते हैं आप, वर्टिकली एक जैसा है ये डिजाइन, इधर से लेफ्ट से और राइट से, अगर हम हाफ बना लेंगे तो हमारे डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम हाफ डिजाइन पर अच्छी मेहनत करेंगे जो हम फुल डिजाइन पर करते हैं, ताकि प्रोपोर्शनली हमारा डिजाइन अच्छा बने और एक्यूरेसी भी आएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ सेंटर पॉइंट पर इसके गाइडलाइन ले लेंगे। देखिए यहाँ ऐसे, यह है हमारा सेंटर इस पॉइंट पे। अब हम लेफ्ट साइड का हाफ डिजाइन कर लेंगे। हाफ डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम यह आर्च वाला पोर्शन डिजाइन करेंगे। एक गाइडलाइन यहां भी ले लेंगे, देखिए जहां पर ये कंप्लीट हो रही है आर्च, इससे थोड़ी सी कम कर लेंगे, बाद में हम ट्रिम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, हम यहां तक ले लेते हैं इंच तक। इसी तरह हम बॉटम पर बेस लेना चाहें ले सकते हैं, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम यहां तक का लेंगे, क्योंकि जब हम डिजाइन के अंदर पावर क्लिप करते हैं तो वो यूज हो जाता है, या यहां तक भी बना लीजिए कोई बात नहीं, इतने की जरूरत नहीं है। हमें फ्लो वाला डिजाइन चाहिए, जो स्वेल्स दिख रहा है ना इसके, यहां तक जैसे रोप वाले स्टाइल के स्वेल्स हैं, हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ आर्च ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम बेजियर टूल लेंगे अपना, और यहां से हम गाइडलाइन की ऑन कर लेंगे स्नैपिंग, क्योंकि हमने गाइडलाइन लगाई है, हम इससे यूज कर रहे हैं। ये गाइडलाइन से एक पॉइंट यहां लेंगे, एक पॉइंट यहां कहीं ले लेंगे जहां हमारा कर्व मैच हो जाए सही, एक पॉइंट यहां कहीं ले लेंगे, कंट्रोल के साथ स्ट्रेट ले लेंगे, कंट्रोल के साथ लेफ्ट स्ट्रेट ले लेंगे, इसी तरह कंट्रोल के साथ जहां स्ट्रेट लेना है हमें बिल्कुल। देखिए ये, देखिए कंट्रोल के साथ स्ट्रेट लेंगे, फिर यहां लेंगे, इसी तरह हम यहां कहीं आर्च को देखिए कर्व के हिसाब से यहां कहीं लेंगे, यहां लेंगे, अब इसको ओवर ले लेंगे हम, कोई बात नहीं है, बाहर की तरफ से तो कोई परेशानी नहीं है, ऐसे जॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। अब ये देखिए ये हो गया हमारा, सॉरी यहां पे हो गया। अब मैं इसकी ओपेसिटी ब्लैक की कम कर देता हूं, देखिए हम इसकी ओपेसिटी ब्लैक की कम कर देंगे, 60 कर देंगे, तो ट्रांसपेरेंसी 60-40% पे हम देख पाएंगे, और इसकी आउटलाइन को हम ट्रेसिंग वाली को रेड कर लेंगे, तो हमें काम करने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए अब ये हो गया, शेप टूल का सिलेक्शन करेंगे, यहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहां कॉर्नर कर्व इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, ये वाले टैब से इसको सिलेक्ट करेंगे हम, ये कर्व हो गया। अब देखिए, तो अब हम इसको कर्व को ड्रैग करके कर्व कर सकते हैं, यहां से देखिए आसानी से, जितना अच्छा मिला लेंगे अच्छा है, जरूरी नहीं है बिल्कुल डिटो बिठाएं इस पर,
लेकिन हमारे कर्व फ्लोलेस लगना चाहिए, कर्व की एजेस नहीं दिखने चाहिए, सही तो अच्छा लगेगा। इसी तरह हम यहाँ कर लेंगे, देखिए आराम आराम से करूँगा थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करूँगा ताकि आप समझ पाएँ। देखिए इस तरह हम, देखिए यहाँ हमारा सही नहीं है लेकिन ये हमारा एज सही आ रहा है बिल्कुल, इसलिए हम इसको यहाँ बिल्कुल एज से नहीं मिलाएंगे, ये हमारा वाला सही है। तो ये हमारा हाफ आर्च डिज़ाइन हो गया। अब इस वाले पोर्शन को हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ, देखिए जल्दी से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से इस तरह, फिर इसी की कॉपी कर लेंगे ड्रैग कर कर, ये देखिए आसानी से जल्दी जल्दी हम कर सकते हैं। मैं फिर भी आज स्लो करूँगा क्योंकि कुछ लोगों ने कहा आप बहुत तेज़ करते हैं, तो थोड़ा सा स्लो करूँगा। अब देखिए यहाँ फिर इसको हम डिज़ाइन करना चाहेंगे, तो ये भी वही है, इसको हाफ अगर हम लेफ्ट साइड का हाफ कर लेंगे तो फ्लिप करके राइट साइड का ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हाफ ही ड्रॉ करेंगे, हाफ ड्रॉ करने से हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। फिर से बेजियर टूल लेंगे हम और यहाँ सेंटर वाले से हम स्टार्ट करेंगे, ये इस तरह यहाँ ओवर लेंगे हम सेंटर से ताकि हम यहाँ पर ट्रिम कर सकें। ये हमेशा याद रखिएगा जब हम सेंटर पॉइंट पर लेंगे तो हमें जहाँ से ट्रिम करना है राइट साइड से ओवर हमें लेना है ताकि डिज़ाइन में हमें मार्जिन मिल जाए। देखिए हम इसको भी रेड कर लेंगे आउटलाइन को, शेप टूल लेंगे फिर से, सब में वही काम होगा, शेप टूल आउटलाइन और कर्व। देखिए बहुत ज़्यादा है तो हम इसकी थिकनेस कम कर लेंगे आउटलाइन की ताकि हम डिटेल में काम कर सकें, हेयर लाइन कर लेंगे सिर्फ। ये देखिए आसानी से हमें कर्व मैच करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, देखिए ये हो गया, ये सही है। इसी तरह हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेंगे, मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है, वैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से कॉपी करते हैं, एडिट में जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज। अब हमें क्या प्रॉपर्टीज कॉपी करनी है, फिल की, आउटलाइन कलर या आउटलाइन पेन, हम तीनों कॉपी कर लेते हैं क्योंकि फिनलन है हमें नन चाहिए, आउटलाइन की थिकनेस हमें कम करनी है, आउटलाइन का कलर चेंज करना है, ये इससे करनी है, हो गई। शेप टूल लेंगे फिर से, सॉरी कर्व शेप टूल से सिलेक्ट करेंगे, कर्व करेंगे दोबारा से क्योंकि हमें यहाँ कर्व देना है राउंड, इस तरह इस तरह, ये हो जाएगा। अब फिर से हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे, फिर से बेजियर टूल लेंगे, यहाँ कर्व लेंगे, एक नोड यहाँ लेंगे, एक नोड यहाँ लेंगे, एक नोड यहाँ लेंगे, शेप टूल लेंगे फिर, इसको कर्व करेंगे, फिर से हम इसकी प्रॉपर्टीज कॉपी कर लेंगे ताकि हमारी थिकनेस इतनी आ जाए काम करने के लिए। ये देखिए स्लो स्लो कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लोगों की शिकायत थी मैं तेज़ करता हूँ बहुत फास्ट, इसलिए मैं आज बहुत स्लो कर रहा हूँ, मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा इतना स्लो में, लेकिन फिर भी ये देखिए ये हो गया ये कॉर्नर ड्रॉ। अब हम ये वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे, बस ये नोट सही जगह लेंगे हम तो हमारा सही परफेक्ट शेप ड्रॉ हो जाएगा। फिर से हम ये कॉपी करेंगे, प्रॉपर्टीज फ्रॉम ये, इसी तरह बस ये सभी कर्व हम ड्रॉ कर लेंगे, ये बहुत काम की चीज है दोस्तों, इस तरह के कर्व बहुत यूज होते हैं डिजाइनिंग में, हमें अक्सर जरूरत इस तरह के कर्व्स की रहती है। देखिए ये भी हो गया, अब यहां से ले लेंगे इसको, इसके और भी दूसरे तरीके होते हैं ड्रॉ करने के, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल, जिससे आपको आसानी से कर्व को ड्रॉ कर सके। अब मैं इसको अपनी शॉर्टकट से ले लूँगा, प्रॉपर्टीज शेप टूल, ये देखिए जल्दी से मैं इसको फिनिश करके आगे बढ़े। देखिए फिर से अब हम
इस वाले ही कप को बहुत यहाँ कॉपी कर लेंगे, फ्लिप कर लेंगे, तो इसी से हम ड्रॉ कर लेंगे इस शेप को। देखिए यहाँ तक हम इसको यहाँ ले आएंगे, इस वाले पोस्ट कॉर्नर को यहाँ ले आएंगे, ऑलमोस्ट सही आ जाएगा। ये देखिए हमारा काम चल जाएगा इससे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए कंबाइन कर लेंगे और सेंटर पॉइंट लेंगे इसका हम, ये देखिए। अब इसकी स्नैपिंग हम ऑन करेंगे ऑब्जेक्ट की, देखिए इस तरह हमें इसके यहाँ सेंटर पॉइंट से लेना है शेप को, यहाँ वर्टिकल एक, और यहाँ इस शेप के सेंटर पॉइंट से लेना है, जो ओवर होगा हमारा उसको ट्रिम कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम इस वाले शेप से लेंगे, इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब डिज़ाइन को रेड वाले को ट्रिम कर देंगे। देखिए ये स्ट्रेट हो जाएगा हमारा एकदम, इसकी ज़रूरत नहीं, डिलीट कर देंगे। इस बार हम इससे इसको ट्रिम करेंगे तो बॉटम से भी ये उसी तरह स्ट्रेट हो जाएगा, ये देखिए इस तरह। अब इसको हम सिंपली फ्लिप करेंगे और ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट। अब इन दोनों डिज़ाइनों को एक साथ सिलेक्ट, देखिए ग्रुप में कंबाइन हुए हैं, अब इसको हम यहाँ से ऐसे कंबाइन कर, सॉरी यहाँ से वेल्ड कर देंगे। तो ये वेल्ड होकर, देखा आपने, ये दोनों हमने सेलेक्ट किए पहले 1 2, फिर इनको एक साथ वेल्ड कर देंगे, सॉरी ये हमारा वेल्ड होकर वन पीस का बन गया। इसमें फिल कर सकते हैं हम बाद में, वो हम एक साथ करेंगे सब डिज़ाइन में। अब ये वाला शेप ड्रॉ करेंगे हम, इसके लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे एक इस तरह, और इसकी आउटलाइन हम राउंड कर देंगे। ये सिंपल सिंपल था बिल्कुल, इसी की हम कॉपी कर यहाँ भी बना सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल के साथ ड्रैग किया हमने, हाइट इसकी छोटी कर दी और इसी तरह इसको विड्थ में भी छोटा कर दिया, तो हमारे सेंटर में इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कॉर्नर सिर्फ, बाकी सब सही है। तो हम यहाँ पर एक इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेंगे, देखिए यहाँ तक बॉटम तक इसको सेंटर कर लेंगे इसके, और इसको हम आउटलाइन को रेड और हेयर लाइन कर देंगे, हेयर लाइन से भी बारीक कर लेंगे हम, 0.002 कर देता हूँ मैं, देखिए काफ़ी बारीक हो जाएगी। अब इसको हम कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, शेप टूल लेंगे। दोस्तों एक एक स्टेप आराम से समझते हुए चलिएगा। फिर यहाँ पे एक नोड लेंगे डबल क्लिक करके, देखिए यहाँ पर एक नोड लिया हमने, एक नोड यहाँ ली, एक नोड यहाँ ली। अब हम इसको डिलीट कर देंगे, डिलीट, ये भी डिलीट। अब ये हमारा शेप बन गया सिंपल, अब हमें कुछ नहीं करने की जरूरत। अब हम ये एक शेप ड्रॉ करेंगे, तो हम इसको बेजियर टूल लेंगे, फिर से एक कर्व यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे, कोशिश करेंगे आसानी से हो जाए दो नोट से, अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा हम दूसरे तरीके से लेंगे। हम इसकी थिकनेस ये ले लेंगे, ये जूम कर लेंगे, शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व, और यहाँ पर हम इस तरीके से ऐड करेंगे इसकी कर्व को। देखिए इस तरह एंकर पॉइंट इनके यूज करेंगे हम, सिर्फ एक ही नोड में डिजाइन हमारा आसानी से बन जाएगा। ये देखिए इसकी नोड को हम इसको भी डिलीट कर लेंगे, ताकि हम एक ही, कम से कम जितनी कम नोड रखेंगे उतनी डिज़ाइन में खूबसूरती पैदा होगी हमारे। जितनी नोड्स हमारी ज़्यादा होंगी डिज़ाइन उतना ही ब्रेक हुआ हुआ दिखेगा। देखिए अभी हमारी एक ड्रॉ हो गई, अब हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ताकि इसको हम फ्लो में रख सकें। कंट्रोल के साथ करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये जो इसमें कमी है वो हम दूर कर देंगे। और यहाँ पर हम एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे ओवर साइज की, इस तरह यहाँ इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और बाहर। तो हम इसको रेड वाले ओवर साइज के इस डिज़ाइन को हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से, इससे ये हो जाएगा ट्रिम। देखिए सिंपल, अब हमारे पास एक शेप बन के मिल गया है। अब हम इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करके कॉपी करेंगे एक स्टेप, और अब हम इसको रिपीट कर देंगे। देखिए रिपीट की यहाँ आपको कमांड मिल जाती है, रिपीट डुप्लीकेट की, तो ये देखिए सिंपल। और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल आर, तो हम ये कंट्रोल आर करते रहेंगे जहाँ तक हमें चाहिए। ये देखिए आप देखते रहिए, जहाँ तक हमें चाहिए कंट्रोल आर करेंगे और ये
सही स्पेसिंग के हिसाब से हमारे जितनी स्पेसिंग हमारी फर्स्ट की है उतनी स्पेसिंग सभी की आ जाएगी। ठीक है, फिर रिपीट करेंगे और हम अब ये टॉप वाले ये और ये वाला कॉपी कर कर नीचे ले आएंगे। ये देखिए इसकी यहाँ नीचे ज़रूरत पड़ेगी हमें, जहाँ स्टार्ट यहाँ से हुआ अब ये पिलर यहाँ एंड हो रहा है तो इसको फ्लिप कर देंगे हम। ये देखिए यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ी है, परफेक्ट बैठ गया। इसी तरह टॉप वाला पोर्शन भी आ जाएगा, इसको भी हटा देंगे हम। इन सबको एक साथ ग्रुप कर लेंगे यहां से। ये देखिए टॉप वाला सिंगल छोड़ देंगे सिर्फ ये। ये देखिए अब मैं इसको ब्लू कर कर दिखा देता हूं आपको सियान कि हमने क्या सिलेक्ट किया है। इसको ग्रुप कर देंगे एक साथ, ग्रुप ऑब्जेक्ट, और हल्का सा इसको टॉप पर इस तरह मिला लेंगे यहां से, तो बिल्कुल ये हमारा इतना मार्जिन हमें इसके लिए मिल जाएगा। अब ये वाला पोर्शन हम कॉपी करेंगे, बॉटम में लाएंगे इस तरह, और इसको फ्लिप कर देंगे वर्टिकल इस तरह, फिर हॉरिजॉन्टल, तो ये दोनों साइड की एजेस हमारी एक ही प्रोपोर्शन की एक जैसी आ जाएंगी। ये देखिए यहां हमारा नहीं बैठ रहा है ये, तो हम कोई बात नहीं इसको छोड़ देंगे। हम ये वाला कॉर्नर डिलीट करेंगे, इस कॉर्नर को यहां बिठाएंगे और ये वाले कॉर्नर सही प्रोपोर्शन में यहां लाकर इसके हिसाब से बिठा देंगे। ये देखिए अब हम इस वाले को ब्लू को ड्रैग करेंगे, एक पीस को सॉरी कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट, सिंगल पीस को हमने यहां कॉपी किया, यहां ड्रैग किया, इसके आउटलाइन नन कर देंगे, यहाँ इस तरीके से इसको ट्रिम कर देंगे फिर से हम जैसे टॉप वाले को किया था। तो हमारे ये देखिए इस तरह से सिंपल, इसको भी हम सियान कर देंगे ये रहा। अब हम ये चाहें तो पूरा कंबाइन करके एक साथ ग्रुप कर सकते हैं इस तरह, इसको सियान कर देंगे पूरे डिजाइन को ताकि हम समझ सकें देख सकें। इसको ग्रुप कर लेंगे एक साथ, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ टॉप से इसको ट्रिम करना है वर्टिकल इस तरह सेंटर पॉइंट को, तो हम यहाँ एक वर्टिकल लेंगे शेप, और सिर्फ क्योंकि इतना ही इससे एजेस बाहर हैं तो हम इसको ट्रिम कर देंगे। ये देखिए ये हो गया, अब हमारा ये पोर्शन बचा। अब इसके लिए हम दोबारा से एक शेप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए यहाँ इस तरह से, कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे इसको, शेप टूल लेंगे हम, इसको यहां पर फिनिश करेंगे, एक नोड यहां लेंगे, इसको यहां से डिलीट कर देंगे, इसको हम ड्रैग कर कर यहां नोड लेंगे सॉरी, इसको हम डिलीट कर सकते हैं या ड्रैग कर कर भी यूज कर सकते हैं जहां हमें नोड चाहिए नेक्स्ट इस तरह। इस बार हमने बेजियर टूल से नहीं बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया तो हमें इस तरह ड्रैग करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ एक नोड लेकर इस एज पर ले आएंगे, बस इससे हमारा ऑलमोस्ट ड्रॉ हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लाइन को, कन्वर्ट टू कर्व, आउटलाइन का कलर रेड कर देता हूँ ताकि देखकर समझ पाए आप, ये हो जाएगा इस तरह। हम इससे भी ट्रिम कर सकते हैं इस शेप को अगर चाहें तो, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ ताकि ड्रॉ की स्किल्स अच्छी होंगी आपकी तो वो बहुत यूजफुल होती हैं। अगर आप अच्छी ड्राइंग इसको शेप टूल से कर सकते हैं, देखिए फिर से ये मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सेंटर से, कन्वर्ट टू कर्व, यहाँ से कर्व ड्रॉ कर दूंगा एक, स्नैपिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, स्नैपिंग ऑफ कर देंगे अभी हम। ये देखिए जल्दी से हम ड्रॉ कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फैंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हल्का सा कर्व है एज पे तो यहाँ भी हम ऐड कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे सेंटर पॉइंट, कर्व इस तरह ऐड कर देंगे एक, ये देखिए यहाँ ये हो गया हमारा फिनिश, सिंपल इतना बनाना था हमें। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए एक ये कॉपी ले लेता हूँ मैं इसकी, ये ओरिजिनल यहीं रखूंगा मैं, इसके अंदर ये डिजाइन नहीं डालेंगे हम, कुछ अपने पैटर्न फिल कर सकते हैं। तो
मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है ऑलरेडी, एक क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया था, बहुत खूबसूरत पैटर्न है वो, मैंने बहुत यूज़ किया है, लेकिन मैं ये आपको दे नहीं पाऊंगा पैटर्न। देखिए ये तो बिटमैप है, मैंने बिटमैप बना दिया एक छोटे से पीस से, एक ये इतना छोटा सा पीस था सिर्फ मेरे पास ब्लैक एंड वाइट, उससे मैंने इसको मैश फिल, देखिए वायर फ्रेम करूंगा। ये बिटमैप है क्योंकि इसमें इफेक्ट यूज किए हुए थे काफी, उसकी वजह से ही बहुत हैवी सी फाइल, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए वेक्टर भी रखा हुआ है। ये वेक्टर फाइल थी ये मेरे पास ब्लैक एंड वाइट, ये छोटी सी, इस छोटे से स्लाइस से लेकर मैंने ये पूरा मैश फिल और ये बनाया है। देखिए इसको वायर फ्रेम कर दिखाता हूँ मैं आपको, ये वेक्टर आप देख सकेंगे फिर, ये देखिए इसके छोटे छोटे स्लाइड्स सब अलग हैं, ये इस तरह से अलग हो जाते हैं सभी स्लाइड, इसके मैश फिल और फिल यूज हुआ है। मैं कंट्रोल ऐड कर दूंगा वापस, देखिए ब्लैक एंड वाइट पीस था और उसको मैंने कलर, इसमें मैश फिल और कलरफुल दिखाना था, मैंने पुराने के डिजाइन के लिए बनाया था, तो मैं ये वाला आज फिल करके उसमें यूज कर लूंगा। इस तरह के कलरफुल या ब्लैक एंड वाइट डिजाइन कॉपी कर लिया मैंने इसको, वापिस पेज पर आ गए हम, यहां हम पेस्ट कर लेंगे इसको, ये देखिए इस तरह इसके अंदर फिल कर देंगे डिजाइन हम, शिफ्ट के साथ बिहाइंड कर दूंगा, पावर क्लिप इनसाइड ये वाली आउटलाइन के अंदर, ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन आपको मिल जाएगा। इसी तरह ये कलर इसमें यूज हुए हुए हैं तो आप कलर का यूज कर सकते हैं इसमें, सपोज ये पिलर्स हैं इसमें, ये ब्राउन, देखिए मैं यहाँ से ट्रे में ले लूंगा ये वाला ब्राउन कलर, तो आप इन पिलर्स में ब्राउन कलर यूज कर सकते हैं। ये देखिए पिलर आपके ब्राउन कलर, यहां पर भी बेस में भी ब्राउन ही यूज कर लेंगे हम, पिलर पूरे ब्राउन हो जाएंगे इस तरह। फ्लावर का कलर कुछ चेंज कर सकते हैं आप, फ्लावर का कलर जैसे इसमें ग्रीन का यूज कर सकते हैं, यहाँ से मैं ग्रीन ले लूंगा फिर से ट्रे में, कलर यहाँ से इसलिए पिक कर रहा हूँ ताकि उसी थीम के कलर मिल जाए हमें। देखिए ये यहाँ का पूरे पीस के अंदर इसमें ग्रीन फिल कर देंगे, या सियान कलर भी यूज कर सकते हैं इसमें, रॉयल ब्लू भी यूज कर सकते हैं, काफी सारे कलर यूज किए हैं, देखिए ये यूज कर सकते हैं, इन दोनों को सियान रहने दे सकते हैं, इस आर्च को रेड कलर में यूज कर सकते हैं, देखिए इस तरह ब्राउन भी यूज कर सकते हैं, ब्लू भी सियान भी यूज कर सकते हैं, काफी सारे कलर्स हैं इसमें, जो भी थीम है वो यूज कर सकते हैं, मजेंटा भी यूज कर सकते हैं, देखिए मजेंटा भी अच्छा लगेगा इसमें क्योंकि मजेंटा काफी यूज हुआ हुआ है, ब्राउन यूज करेंगे ब्राउन भी अच्छा लगेगा इसमें, तो मजेंटा यूज करते हैं हम इसमें। अब हम इसको ग्रुप कर लेंगे एक साथ, कलर से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ टेक्निक थी आपको सिखाने की, फिर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस तरह फ्लिप करेंगे तो ये कंप्लीट आर्च बन जाएगी। ये देखिए इसको हम अलग पेज पर ले जाते हैं, एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं, ये देखिए इस आउटलाइंस को सबको मैं हाइड कर देता हूं। अब हम इसको फ्लिप कर करके ट्रिपल फोर आर्च, जैसे बहुत सारी आर्च होती हैं किसी घर के अंदर आप देखते हैं, देखिए इस तरह से बना सकते हैं। हमने देखा कितना खूबसूरत डिजाइन आपके सामने तैयार हो गया एक आर्च का दोस्तों, लेकिन इस आर्च के डिजाइन को दे नहीं पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ये डिजाइन आर्च दे सकता हूं हाँ, लेकिन ये नहीं दे पाऊंगा मैं फ्लोरल, क्योंकि मेरे क्लाइंट के लिए मैंने डिजाइन किया था। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने सजेशन देते रहिए ताकि हम अच्छी अच्छी नई नई क्लासें आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोरल डॉट ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।